Don't do that. Hurry! खिलाफ गवाही, दोषी पाए जाने पर टोनी पर 5 साल का बैन लग सकता है। तो क्या अब टोनी का करियर खत्म होना है? ए बुड्ढे, तू जो रोटी खाता है ना मेरी वजह से, जो कपड़े पहनता है वो भी मेरी वजह से, अब गवाही देकर मुझे बैन करवाएगा? टोनी देख, इतनी जल्दी भूल गया, नाली में पड़ा था, वहां से उठाकर तुझे ट्रेन करके चैंपियन बनाया, याद है कि नहीं? चल हट। तूने जितनों को ट्रेन किया वो सब चैंपियन बने क्या? मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास ताकत है, ताकत। That's why I'm a champion. सुन, मेरे जैसा बॉक्सर पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा, समझा क्या? मैं इसका जवाब जरूर दूंगा, तुझसे भी बड़ा चैंपियन तैयार करूंगा। अगर सचमुच तुझमें इतनी हिम्मत है तो किसी एक को, बस एक को मेरे जैसा बना के दिखाओ। टोनी इज द बेस्ट। इंतजार रहेगा मुझे किसी मर्द के बच्चे का। परेशान मत हो पापा, टोनी मेरा शागिर्द है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना कमीना निकलेगा। तो उसे भूल जाओ ना पापा, उसकी तरह तो आप किसी को भी ट्रेन कर सकते हो। ये इतना आसान नहीं है बेटा, टोनी वो हीरा है जिससे मैंने अपने मैं तो धरती मैया को दंडवत प्रणाम कर रहा था बेटा। तू तो गधा है पप्पू। क्या बोला? कहा कहीं था? हमला हमला पप्पू राव नाम है मेरा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तू जैसे किसी भी पहलवान को नहीं छोड़ा, सब पे हमला कर चुका हूँ मैं। छोड़ जानता हूँ सब। क्या कि तुमने किसी पहलवान पर हमला नहीं किया, आने जाने वाले लोगों ने तुम पर ही बार बार हमला किया, इसीलिए तेरा नाम हमला पप्पू हो गया। अबे मुंह बंद रख, ये ले बिस्कुट, दूध पी लेना। अरे यार बच्चे कुछ इज्जत को क्यों मिट्टी में मिला? एक्सक्यूज मी, जस्ट अ मिनट सर, दूध पी के दंड पेल। मैं विजेंद्र, बॉक्सिंग कोच। नमस्ते सर। नमस्ते, मुझे पता चला है कि आप अपने चैंपियन की पुरानी चीजें देना चाहते हैं। जी आइए, ये है। अरे अरे वाह 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 वाह, पक्का देसी पहलवानी का सामान है ये, क्या मैं इसे उठा सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं। थैंक यू। अगर हमारे लड़के इन्हें इस्तेमाल करेंगे ना तो चट्टान बन जाएंगे। क्या मैं इसे खरीद सकता हूँ? इसकी कीमत नहीं लगा सकते सर। ओ, यानी इतना अनमोल है। जी हाँ ये अनमोल है सर। 7 सालों तक लगातार जिस योद्धा को कभी भी कोई नहीं हरा सका, ये सब उसी महान चैंपियन की यादें हैं सर। यहाँ रखी हर चीज पर हमारे चैंपियन की निशानी है सर। अगर आप 4 साल पहले यहाँ आते तो हमारे पहलवान किच्चा को देख पाते। किच्चा शेर की तरह अखाड़े में उतरता था, शेर था वो, शेर।
रुपए काटे की लड़ाई चाहती थे। कितने के सामने 25 दिन का हर लोग थे। रोमांचक होता जा रहा है। सरकार कितने पैसे देके बुलाया इस पहलवान को हारने के लिए? क्या बोल रहा है? घंटा के सरकार है ये, एक लौंडा तो पैदा कर नहीं सका। इससे हम काहे को डरे हुए? अगर असली मर्द का बच्चा है तो बोल दे, मेरे साथ भी दो हाथ करके देख ले। छोड़ो छोड़ो, जो नाम कहता है हमेशा की तरह के पैर से लेकर गिरता बिना कोई पॉइंट नहीं, वो भी जीत लेगा। कम से कम एक पॉइंट तो वो जरूर लेगा, देखना। खेलने वाला तो खेले है बंटा, देखने वाले को क्या समझ में आएगा घंटा। पहलवान कितना को जीतने के लिए 5 पॉइंट की जरूरत है, लेकिन बलजीत सिंह भी कड़ी टक्कर दे रहा है। आपको हार मानने वालों में चला है। उसके अंत के लिए उन्हें आना ही पड़ता है। मजाक कर रही हो क्या? जी, हमें कुछ नहीं होगा, पूजा पर ध्यान दो। किससे पंगा ले रहा है जानता भी है? सॉरी सर। भैया सरकार के बारे में कुछ बोला है आपने? क्या बोला था? थोड़ा याद करके बताना, क्या बोला था? अगर असली मर्द का बच्चा है तो बोल दे, मेरे साथ भी दो हाथ करके देख ले। हाँ तो? कुछ नहीं भैया, मेरे माँ बाप भगवान गुरु जैसे सरकार के बारे में इतना कुछ बोला है तो सोचा कि मिलता जाऊँ। किसके इलाके में आया है जानता है क्या? हेलो, आ गए हैं तो जान भी जाएंगे। ऐसा क्या? एए, दरवाजा बंद कर। अरे भाई टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूँ ना, मैं ही बंद कर देता हूँ। दरवाजा क्यों बंद करवाया? धोने के लिए भाई। तो खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है, धो उसे। मैं मार धार नहीं कर सकता। ये फाइटिंग के लिए नहीं, सरकार फोन करेंगे, थोड़ा मैनेज कर लेना प्लीज। ये कर सकता। मेरी कुटाई होने वाली है सरकार। मैंने फोन किया है, ये बात उसे बताना मत। बेटा नंबरी तो बाप 10 नंबरी। नहीं बताऊंगा सरकार। क्या कर रहा है वो? तोड़ रहा है, नारियल तोड़ रहा है सरकार। ओ
सरकार खड़े खड़े क्या कर रहे हो? नीचे बैठो। बैठ गया। लड़की का सारा गुस्सा पुतले पर निकाल रहा है। वो लड़की सामने आ जाए तो क्या? पहलवान जी कहाँ चले? भैया मैं तो पानी पीने जा रहा था। पानी पीने जा रहा है या अब तक की मेहनत पर पानी फेरने जा रहा है? भैया मैं उस लड़की से प्यार करके शादी। ये प्यार वाला बकवास डिब्बे में डाल के कोने मारा, क्या हुआ तुझे? क्या है ना भैया, उस लड़की का परिवार, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कार। संस्कार सभ्यता क्या, मुझसे ज्यादा जानता है तू? इसके चक्कर में पड़ा था लोटा लेके घूमता रहेगा, लोटा गन्ना जानता ना तू? गन्ना उसके रस की तरह चूस के फेंक देंगे तुझे, समझाना? और सुन, तू है पहलवान, मन में रखना है कुश्ती और बनना है तुझे चैंपियन। इसको छोड़ के आगे पीछे कुछ भी और कोई भी नहीं, समझा तू? समझ गया। ए, तो देखा तुमने, सीखो। ये क्या? गीला लंगोट बांध ले, अंदर की गर्मी कम हो जाएगी। क्या काम करने आया कि दरबार लगाने आया है? अबे चिल्ड बियर, कमाल होता है। वो कहो सुनी है ना, सांड को कभी लाल कपड़ा नहीं दिखाना चाहिए वरना वो बिदक जाता है। मैं दिखाऊंगा और वो बिदकेगा मेरी। अच्छा? ओ मैडम मैडम, सिगरेट गुटखा बियर कुछ चाहिए क्या? लड़का लाके दे देगा। कौन? अरे वही जो उस दिन लेके आया था। उनसे मिल सकते हैं क्या? हाँ क्यों नहीं, आइए आइए। कृष्णा, ए कृष्णा, चिल्ला रहे है भाई? वो बियर वाली लड़की आई है, फिर से माल मांग रही है। इस बार उसे छोड़ना मत, लगा देना। यस मैडम, मैंने उसे समझा दिया है, आप जाइए। आजा भाइयों, अब सांड के सामने आ गया है लाल कपड़ा। ये सांड अब पूछेगा, एक खतरनाक मंत्र, मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकता, घूम जा। अब हमारा कृष्णा तोड़ेगा, फोड़ेगा, चीखने चिल्लाने की आवाज आएगी, आवाज आएगी। सुनो सुनो सुनो, अभी तक आवाज क्यों नहीं आई? बैठिए ना, अरे बैठिए। थैंक यू। ये आप चलो, अच्छे रहेंगे। ये सांड लाल कपड़ा देखकर भी नहीं भड़का, ये चमत्कार कैसे हुआ भाई? तुझे पता नहीं है ना, नहीं बियर सिगरेट गुटखा ये सब अपने लिए नहीं, कोई फ्रेंड बैठ रखा थी इसलिए ये आके लेके गई यार, बस इनको तो कोई आदत ही नहीं है। वो चली पे यार, भासु में यार। आप बैठिए ना, आप बैठिए। ए बाबा, ए बाबा, हनुमान जी ने दिशा भी सही दिखाई थी और जो जिसने करेक्ट ही बोला था। सो स्वीट ऑफ यू। मेरा नाम है रुक्कू। रुक्कू? रुक्मणी। रुक्मणी, कितना चला मैं पुपले। तुम्हारा नाम क्या है? कृष्णा। नाइस फ्रेंड्स। आने वाले विजयदशमी उत्सव में श्री विजय दुर्ग संस्थान की ओर से विशेष कुश्ती का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्य के सिर्फ चार पहलवानों को चुना गया है। उसमें से एक विजेंद्रगढ़ के सरकार के यहाँ से श्री वीर हनुमान अखाड़े के पहलवान कृष्णा का चयन किया गया है। कृपा करके आप अपने बेटे को जरूर भेजिए, हमारा सौभाग्य जी जरूर आएगा, खुशी होगी। भाई ये कुश्ती कब है? कल रात को। फिर तो हमारे पास बहुत टाइम है। वो रुको ना,
मैडम। हाय। आप यहाँ कैसे? विजय दुर्ग जा रही थी। विजय दुर्ग? अरे हम भी वही जा रहे हैं, आइए। आपको मुझे मरवा के गिर गई। पप्पू यहाँ कैसे? तू तो अंदर बैठा था ना। आप वो रेडिएटर में पानी डालने के लिए ऐसे बाहर आता रहता है। आप चलिए, मैं लेके चलता हूँ। देखिए लगता है ये कुछ परेशान है। शक्ल तो फिल्म देखने वाली आप पहली इंसान है। चलिए चलते हैं। पप्पू इनकी गाड़ी को ठीक करना है, यही रुक। आप चलिए। हाँ तो विजय दुर्ग क्यों? वहाँ दशहरा उत्सव चल रहा है। गजेंद्रगढ़ से एक बड़ा पहलवान आने वाला है। सुना है उस पर बैट लगाओ तो डबल पैसा मिलता है। आपने कभी उस पर बैट लगाई है क्या? आप उस पहलवान को जानते हैं क्या? कौन है? होगा महापुरुष। हाँ? कोई महापुरुष आपने बोला है तो? तो फिर आप उस पहलवान को देखने जा रही है क्या? आपको जीप चलाना आता है? अच्छा चलाती हो ना। चलो आप उड़ाते हैं। मैडम खलास जीप। सॉरी। अरे कोई बात नहीं, आप ठीक है ना? या आई एम ओके। मुझे प्यास लगी है। प्यास? आप रुकिए मैं देखता हूँ। क्या हुआ आपको? ये तो पानी है ना, ये बहुत टेस्टी है। आप भी पियोगे? उसको पिया आपने? वेट। रुक्मिणी जी क्या कर रही हैं आप? सॉरी मधुमक्खी जी को लग गया। भागिया ये मक्खी नहीं मधुमक्खी है। मधुमक्खी जी चली गई क्या? पता नहीं। उनको सुनाई देता है तो इतना धीरे क्यों बात कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ तो इसलिए डर लग रहा है। नहीं तो मैं क्यों डर? चैंपियन कृष्णा अपनी स्टेट वाला है ना? हाँ सर। अपने इलाके का पक्का देसी पहलवान ही है, हम ऐसे किसी को ढूंढ रहे हैं। बचपन से ही प्रैक्टिस करता आ रहा है सर, उसे नेशनल खेलने के लिए एक मौका मिल जाए बस गारंटी इंडिया के लिए मेडल जीतेगा। प्लीज सर। आप एक काम कीजिए, अगले महीने रणस्थलीपुर में एक टूर्नामेंट होने वाला है, नेशनल सिलेक्टर्स आ रहे हैं, उसको वहां पार्टिसिपेट करने के लिए कहिए। वहां उसका परफॉर्मेंस देखकर डिसाइड कर लेंगे। वो जरूर आएगा सर, वो उसे जरूर जीतेगा सर। पहले उसे पार्टिसिपेट करने के लिए कहिए, क्योंकि वहां से हमेशा जीतते हैं राजा राणा प्रताप वर्मा ही। साक्षात सीता मैया। कम बड़ी सिट। क्या नहीं माँ। क्या लग रहे हो? इतना चने क्यों बुलाए? डैडी को सब पता चल गया। क्या? मैंने सब बता दिया है। क्या रुकमणी जी अचानक बोला, कैसे बोल रही है? डर लग रहा है? डर नहीं, फर्स्ट टाइम है ना। कुछ नहीं होगा,
आराम से बात करना ओके। सर यही नाम है ना तुम्हारा? नहीं सर, कृष्णा, प्यार से किचन बुलाते हैं। Sounds so stupid. ये लो ब्लैंक चेक, जितना लिखना चाहो लिख लो। कितना लिखना है यही सोच रहे हो ना, या फिर लिखना ही नहीं आता तुम्हें? पढ़ा नहीं हूं सर, लिखना नहीं आता। अंगूठा छापो? हाँ सर। Suits you? I'm not surprised. Okay, fine. मैं ही लिख देता हूँ। अकाउंट में नाम क्या है? अकाउंट भी है या नहीं? अकाउंट नहीं है सर, लेकिन समझ नहीं पाए क्यों पूछ रहे हैं आप। मैं जानता हूं तुम मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हो, और ये भी जानता हूं तुम्हें चाहिए क्या। वैसे तुझ जैसे सड़क छाप रोमियो के लिए मैंने अपनी लड़की को पैदा नहीं किया है। सर कहां जा रहे हो? सर वो मुंह बंद रख के जाना चाहता हूं सर। सही है सर, क्योंकि आप कुछ बोलेंगे मैं कुछ बोलूंगा, इतना जो इतना बन जाएगा, फिर कहीं से कहीं और जाएगा, ये सब क्यों सर? फिर भी आप सुनना चाहते तो बोलूंगा सर। सर वो दूसरों की तरह मैं भी धोखे में आ गया सर, आपका एक बड़ा बंगला बाहर खड़ी गाड़ी देखकर बड़ा आदमी समझा सर। मामू मैं अपने बारे में नहीं बोलना चाहता, फिर भी बोलता हूं, सुनिए। मुझे लिखना नहीं आता, लेकिन बाहर बुजुर्ग अधेर उनसे छोटे छोटे बच्चे तक बहुत प्यार से मेरा नाम अपने पूरे शरीर पर गुदवाया सर, इतना काफी है मेरे लिए। अकाउंट नहीं है मामू, लेकिन दोस्तों के रूप में कुछ चाहने वालों को बाहर कमाया। अगर वो सब मिलके एक एक रुपए मुझे प्यार से देंगे तो एक अकाउंट खुलेगा और आपसे ज्यादा मेरे पास होगा मामू। अगर मुझसे पंगा लिया तो, अगर मुझसे पंगा लिया तो, अगर मुझसे पंगा लिया तो, ऐसा बोलने वाला मैं समय नहीं हूं, फिर भी बोल रहा हूं, मत लेना। और एक बात मामू, तुझे से एक कैसी एक देवी जैसी बेटी पैदा हुई? कैसे मामू? कैसे? Not understanding this. और एक बात मामू, आपकी बेटी का दुल्हा मैं हूं तो आपका दामाद भी मैं ही हूं, ससुर जी मिलते हैं। जो भी हुआ मैंने आपको बता दिया, अगर आप एक बेटी के बाप होते तो आप क्या करते? मैंने उसकी शादी भी फिक्स कर दी है, तो ऐसी हालत में कब है शादी? अगले महीने। आप शादी की तैयारी कीजिए, मैं अपनी जुबान देता हूं मेरी बेटी की तरफ से परेशानी नहीं होगी। मैं कल ही जाकर पाटिल साहब से राइस मिल की बात करता हूं। टीचर सर नमस्ते, बात कर सकता हूँ? सर अब तक हम दोनों का एक ही सपना था, वो वैसा ही है या बदल गया है सर? क्यों सर ऐसे बात कर रहे हैं, क्या हुआ? चैंपियन बनने का सपना है या नहीं है सर? क्यों क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? सच में या तुम्हारे लिए कोई और सपना जरूरी हो गया है? नहीं सरकार, नहीं सरकार। रणस्थलीपुर में नेशनल सिलेक्टर्स आ रहे हैं, दिल में जो है निकाल फेंको, ध्यान सिर्फ कुश्ती पर लगाओ। चैंपियन बनने का सपना है या नहीं, या तुम्हारे लिए कोई और सपना जरूरी हो गया है? ध्यान सिर्फ कुश्ती पर लगाओ। नहीं सरकार, वो बाइक से मैं इतने सालों से बाइक चला रहे हो, आज तक नहीं हुआ एक्सीडेंट, अब अचानक कैसे? ध्यान कहां था तुम्हारा किचा? बात यह है कि
कुश्ती में जरा सा भी ध्यान इधर उधर हुआ तो एक पल में जान चली जाती है। जीवन में मोहमाया को किनारे करके, त्याग करके, पार करके जो आगे बढ़ता है सिर्फ और सिर्फ वही तलवार बन सकता है, सिर्फ वही। इतने सालों के त्याग तपस्या को बर्बाद मत करो बेटा। डर से नहीं आया देखो हम पहलवान हैं, जीतेंगे तो कुश्ती लड़कर इंतजार करेंगे उसका। आएगा ना सर? जरूर आएगा, आएगा। गलती की वजह से कितना बड़ा हंगामा हो गया पता है तुम्हें? सरकार से कभी भी आज तक किसी ने ऐसी बातें नहीं की। बेली, तुम्हारे पापा ने न जाने क्या क्या कहा। सरकार, ये दोनों भी नहीं जानते थे कि इतना सब कुछ हो जाएगा। सरकार, दोनों बच्चे हैं, ये नहीं जानते थे कि ये सब। सरकार क्या है तुम तो जानते हो, और आप भी नहीं जानता। मेरे सामने जो आदमी खड़ा है मैं उस इंसान को नहीं पहचानता, बिल्कुल नहीं पहचानता। मैंने जिस बेटे को पाला था ये नहीं है वो। हाँ लेकिन देखिए बुजुर्ग है आप, इसलिए फायदा मत उठाइए। पूछा था भरोसा कर सकता हूं या नहीं, मेरे भरोसे का यही सिला दिया तुमने। आज मैं तुमसे दो वचन मांगता हूं, तो मेरे पति उसे पूरा कर पाएगा बेटा? जी सरकार, अब जो कहेंगे ये करेंगे। मेरी सिखाई हुई विद्या का इस्तेमाल नहीं करेगा और कुश्ती भी नहीं लड़ेगा। ये जहां भी रहे खुश रहे,
लेकिन मैं आज के बाद इसको देखना नहीं चाहता। सरकार, ये सब क्या कह रहे हैं आप? नहीं देखना चाहते क्या मतलब? कहां जाएगा ये? ये आपका बेटा है, कोई कुछ भी बोल देगा आप अपने बेटे को घर से निकाल देंगे। ये लड़की जहर पीने वाली थी, इसीलिए शादी करके इसे यहाँ ले आया। तू चल, अंदर चल। पहली बार मेरे भगवान मुझसे कुछ मांग रहे मूर्ति काका, जान भी मांगे तो दूंगा। के बाद हमने उन्हें आज तक नहीं देखा। उन्हें यह भी नहीं पता था कि कहां जाना है। अब वो कहां हैं, कैसे हैं, कुछ भी नहीं पता। पहचाना? अरे बापी, पुनी, कमीने, छोड़ दे मुझे। साइन कर देना यार। मर जाऊंगा लेकिन कभी साइन नहीं करूंगा। गुड। हे भगवान, मेरी बेटी, उसकी क्या गलती है? उसे यहाँ क्यों लेकर आया हूँ? मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं हार कर दूँगा। मेरी बेटी को छोड़ दो। वहां साइन करूंगा। क्या बोला? जहां बोलोगे वहां साइन करता हूं। मेरा बेटा पहले से ही दिल का मरीज था, ये बात सबसे छिपाकर वो रिंग में उतरा। डॉक्टर ने सर्टिफाई किया है कि इसी की वजह से उसकी मौत हो गई। ये बात सच है, मैं गवाही देता हूं। हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन लेकिन बस आपके कोच को कोर्ट में नहीं पहुंचना चाहिए, फिर ये बैन पक्का रद्द हो जाएगा। ये यहां देख लो ना, ये नहीं चाहिए ताजा। वो भी यही है, मैंने उसे देखा। कौन, किसे देखा? पहलवान को। पहलवान को कहाँ? वहाँ। प्रिंसिपल वेटिंग। ताई, आज काय पेशल है तुमचं? आज हमारी शादी की सालगिरह है। ऐसा क्या?
ये ले, ये मेरी तरफ से गिफ्ट, तुम लोग की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। तलमी निकते गजरा गया गजरा। Hey, क्या कर रहे हो तुम? पटको पट से। इन लड़कों में कृष्णा को ढूंढ रहे हो ना सरकार? आप हर पहलवान में उसी को ढूंढते रहते हो। इनमें से कोई भी कृष्णा नहीं है और ना ही कभी कोई कृष्णा बन सकता है। भुला चुका हूं मैं उसे। भुला नहीं पाए हो सरकार, इसलिए उसका गदा, उसकी ट्रॉफी किसी और को दे दिया है। आपने उसे अपने घर से जरूर निकाल दिया है सरकार, लेकिन अपने दिल से नहीं निकाल पाए हो। कृष्णा, जानू सो रही है क्या? हाँ दादाजी। देखो अरे वाह, सजीता जी हो, क्या बात है? को याद है आज क्या है? आज से हमारे गांव में मेला शुरू होगा ना। आज पहली आरती है, कुछ ही दिनों में कुश्ती शुरू होगी। सरकार बहुत खुश होंगे आज। शादी के दिन भी कोई ऐसा ही सोचा है क्या? सरप्राइज। तो क्या करते हैं? करने को बहुत कुछ है, फिलहाल ये लीजिए। साड़ी है? पहनी है? ठीक है। हेलो, मैं पहनाऊंगा ना, राजस्थानी साड़ी है। सब उल्टा इधर का, उधर उधर का, इधर सब उल्टा है। मैं पहनाऊंगा ना। आप पहनाओगे? और क्या, दुकान वाले के साथ चार घंटा बैठ के सिखाऊं मैं? जानू? जानू? हाँ पापा। बेटा तुम चिड़िया देखना चाहती थी ना कॉर्नर में? हाँ पापा। बाइनोक्युलर से देखोगी? ओके पापा। जाओ बेटा। कैसे? पापा, वहाँ कोई चिड़िया ही नहीं है। लेफ्ट में देखो बेटा। मैं दूसरी तरफ भी देख के आती हूँ। देख लिया। देखने दो। मतलब इसको ही समझ में आया तो हमें हमारा काम पूरा कर लेना चाहिए। भाइयों और बहनों, बाहर आओ, एक अनाउंसमेंट है। आज हमारे शादी की सालगिरह है। राजस्थानी साड़ी भी दिलाए हूँ और खाने के लिए भी लेके जा रहा हूँ, ये बोलने आया था। नोट इट डाउन। और पता है, पापा ने मम्मा को साड़ी दी है। वो देखो, उसके लिए राजस्थान से साड़ी लाया है। एक तुम हो, मेरे लिए आज से ब्लाउज पीस भी लायो क्या? बीवी भी तो ऐसी होनी चाहिए। राजा साहब, पहलवान अभी जिंदा है।
क्या बोला, जरा फिर से तो बोल। राजा साहब, मैंने पहलवान को देखा, वो यहाँ अपने परिवार के साथ आराम से रह रहा है। आपके पति ने तो पहले ही बहुत कुछ दिया है, और ले लेता हूं थोड़ा दूध बस। कैसा है किच्चा? बचाऊंगा अब। ठीक नहीं हूं, 4 साल से ठीक नहीं हूं। उस दिन अखाड़े में तूने सिर्फ मुझे नहीं गिराया, गिरा दी वंश की मर्यादा, वंश की प्रतिष्ठा। अगर घर में शादी है, मैं दूल्हा हूं। अच्छा, अगर घर में मातम है, मैं लाश हूं, वो भी अच्छा है। लेकिन यार, तूने तो मेरी ही शादी में आके मुझे ही लाश बना दी, ये अच्छी बात नहीं है। आज कोई किसी भी बात पे हंसता है, लगता है मुझ पे हंस रहा है। अब घर से बाहर नहीं निकलता हूं। मरना है तो मर ले, सामने हो। नो 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 नो। अभी तो मैं रिलैक्स्ड हूं, तू मिल गया ना। ये लीजिए दूध। थैंक यू। तूने ही कहा था ना किच्चा कि पहलवान की असली जीत अखाड़े में होती है, तो बस तुझे एक बार फिर मेरे अखाड़े में आना है पहलवान की तरह, और मैं वहां तुझे हराऊंगा। वो पहलवान नहीं आएगा। आएगा, आएगा ना, मैं बाहर लेकर आऊंगा। एक बात कहूं तुझसे, तेरी पर्सनैलिटी पे ये मटके शटके सूट नहीं करते। पहलवान सुपर। अरे, आपकी बिटिया नहीं दिखाई दी? सुना है बहुत प्यारी है, कहाँ है? पहलवान को तो वापस आना ही होगा, मैं लेके आऊंगा उसे। बे ओ बुड्ढे, कहाँ है? बाहर निकल। अच्छा। ए टोनी। कोच। ए कोच। कल के पेपर टाइम्स आज ही पढ़ना। चैंपियन टोनी से बैन हटा। टोनी इज बैक। टोनी इज बैक। इससे कुछ समझ में आया बुड्ढे? दुनिया सिर्फ जीतने वालों का साथ देती है, लेकिन अब तुम क्या करोगे? अरे हाँ, तुम्हारी तो बेकरी है ना, इतनी बड़ी बेकरी। मीठा बिस्किट, नमकीन बिस्किट। औकात से ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कर, इतनी ऊंचाई से गिरेगा चोट उतनी ही लगेगी। हाँ हाँ, यही तो समझा रहा हूँ तुमको। टोनी को हराओगे, तुम अगले साल तक जिंदा रह पाओगे? हा? हो सके तो इसी साल एक बटर बिस्किट तैयार करके मुझे खिला दे। समझ में आएगा किसके कितने औकात हैं। कृष्णा, चाय? नहीं। करीम भाई। हाँ। बुरा मत मानिएगा, इतनी रात को फोन कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, बोलो कृष्णा। करीम भाई, थोड़ा पैसा चाहिए था जान के एडमिशन के लिए। अरे क्या बेटा, अपने जानों की फीस के लिए इतना क्या सोचना, सुबह ले लेना। थैंक यू करीम भाई, जल्दी लौटा दूंगा।
करीम भाई, करीम भाई, अरे करीम भाई क्या हुआ? अरे अभी कहाँ कुछ हुआ है? ऐसा पिच्छा आ रहा है ना बाहर पहलवान? ए बहुत गुस्सा आ रहा है ना? नहीं कोई बात नहीं, 4 साल इंतजार किया है, थोड़े दिन और कर लूंगा, पर उतरेगा तू अखाड़े में, वादा है, उतारूंगा तुझे अखाड़े में। मारने का मन कर रहा ना मुझे? मार? मारने नहीं राणा, बोलने आया हूं। राणा मेरी खामोशी का मतलब ये नहीं कि मैं डर गया, मतलब है इज्जत। कुश्ती को कुश्ती में सामने वालों को इज्जत देंगे तो कुश्ती वापस हमको इज्जत देगी। अगर उस दिन मैं तुमसे हार गया होता तो भी एक बड़े पहलवान से हारा हूं सोचकर खुश रहता। खेल बड़ा है राणा, हमने मुझे कुश्ती सिखाने वाले अपने सरकार को वचन दिया हो कि मैं कुश्ती कभी नहीं लड़ूंगा, दिए हुए वचन पड़ी को मैं। पहलवान के बाहर आने की आपकी सोच कभी पूरी नहीं होगी, कभी नहीं। हाँ हेलो आरती जी। पापा तुमने जो गैरेज बताया था ना बेटा? हाँ पापा। क्या नाम है उसका? पाशा गैरेज। पाशा गैरेज है ना? हाँ। सॉरी करीम भाई, मेरी वजह से। सब कोई बात नहीं कृष्णा, मुझे कुछ नहीं हुआ। कृष्णा पैसे मांगे थे ना तुमने? नमस्कार। कहिए। मेरी गाड़ी में थोड़ा डेंट पड़ गया, जरा देख लेंगे? जरूर तशरीफ रखिए, देख लेता हूँ। सुलेमान साहब की गाड़ी देख, कोशिश करो। हाँ टाइम मिली है शंकर भाई, चलता हूँ। हाँ ठीक है। कृष्णा एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेगा? कुछ नहीं। जानू को इतने बड़े स्कूल में डालने की जरूरत है क्या? क्यों, तुम इतनी मेहनत करके कमाते हो, उसमें तो खोली का भाड़ा भी नहीं निकलता, ऊपर से इतना महंगा स्कूल। शंकर भाई एक माँ अपने बच्चे को गोद में क्यों बिठाती है बोली? ताकि बच्चा भी वो सब देखे जो माँ देख रही है। लेकिन एक बाप अपने बच्चे को कंधे पे क्यों लेके जाता है बताए? ताकि बच्चा वो सब देखे जो वो नहीं देख पाता। और भैया एक बाप के लिए बोझ नहीं खुशी है, और मैं तो स्ट्रांग फादर हूँ भैया, स्ट्रांग फादर। कृष्णा तुम जैसे अच्छे दिल वालों का कभी बुरा नहीं हो सकता, माफ करना, पूछना नहीं चाहिए था। दूसरों को दे देकर ये हालत हो गई है मेरी, इस उम्र में जाकर पता चला कि ली कैसे जाती है। 40,000 दोगे तो काम करूंगा, वरना इससे कम में नहीं। ये बॉक्सिंग का ऐड है भाई, पैसे कम होते हैं। काम भी बहुत ज्यादा है भाई, और हम लोग कम हैं, इतने पैसे में नहीं हो पाएगा। ए चलो रे, चलो चलो। तुझे क्या चाहिए? वो काम मैं करता हूँ सेठ जी। कितने लोग हैं तेरे साथ? साथ में कोई नहीं, मगर काम मैं करता हूँ सेठ जी, उनको जो देने वाले तो वही दीजिए बस। अकेले कैसे करोगे, काम बहुत ज्यादा है यार। करूंगा सेठ जी, भरोसा कीजिए। मटेरियल उधर पड़ा है। हाँ सर, शुरू हो जा। थैंक्स सर। ए पांडे। हाँ भाई। जा जाके देख कि ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। मैंने पैसे से बड़ा कभी किसी चीज को नहीं माना, इमोशन और रिलेशन को मैंने कभी अहमियत नहीं दी। मुझे लगा था कि सिर्फ दौलत के लिए कृष्णा मेरी बेटी से शादी कर रहा है, लेकिन कृष्णा ने मुझे गलत साबित कर ही दिया। ये मत सोचिए कि फिर से तकलीफ देने आए हो सर, मन में जो बातें बोलने आए हो। एक दिन मेरी बेटी दिखाई नहीं दी सर, सिर्फ एक घंटा,
बहुत ढूंढा सर, कहीं नहीं मिले। एक 3 साल की बच्ची सर, सिर्फ 1 घंटा जब वो नहीं मिली तो मेरी जान निकल गई सर। तो जिस बच्ची को अपने 22 साल तक पाला पोसा, अचानक मैं उसे लेकर गया था, पर क्या गुजरी होगी आप समझ सकते हो सर। मैं मुझे समझ में आया सरकार, अहमियत इंसान की होती है, पैसों की नहीं। उस दिन जब मैंने आपसे झगड़ा किया था तो इसलिए नहीं कि वो मेरी बेटी से शादी कर रहा है, बल्कि इसलिए कि मेरा बिजनेस बर्बाद हो रहा था। मैं अच्छा बाप नहीं हूं सरकार, वो है अच्छा बाप, और उसकी परवरिश करने वाले आप हो। एक अच्छे बाप जानबूझकर की गई मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए। आप बस वो आता ही हो। सर नमस्ते। नमस्ते पप्पू। किच्चा का कुछ पता चला? हाँ, अखाड़े में उसकी फोटो देखी थी। यही है ना? यही है, यही है सर, हमारा किच्चा। सर क्या हुआ? हर साल होने वाले बहुत बड़े बॉक्सिंग टूर्नामेंट का एडवर्टीजमेंट है। हमेशा ट्रॉफी तो हम ही जीतते थे, लेकिन शायद इस साल ये तो बादशाह मैकेनिक की दुकान की फोटो है। इस मैकेनिक को तुम जानते हो? हाँ जानता हूँ। इसे जानते हो? कृष्णा है अपना। हाँ? ये लो, अपने घर के पास ही तो रहता है कृष्णा। हाँ एक मिनट। हेलो, हरिपुर में फिर से स्वागत है किच्छा। मुझे पता था तू आएगा, इसीलिए सारे पंचों को बुला लिया। ए, सर उठाओ बे मुर्दो। उस दिन इसके जीतने पर बहुत तालियां बजा बजा के उछल रहे थे ना, मेरे कटआउट तक को रौन डाला था। आज मेरी जीत होगी, घर घर गांव गांव में मेरी जीत का जश्न। कहाँ जा रहा है? बात कर रहा हूं ना मैं, वॉचमैन है मेरे। अच्छा चल एक बात बता, तू यहां बाप बन के आया है या पहलवान बन के? एक बाप अपनी बेटी को ले जाने आया है। लगाओ, हाँ,
अभी इससे मेरी कुश्ती बाकी है। क्यों बेकार नाटक कर रहा है? बाप को दिया वचन निभाने का, इन माँ बाप का अनाथ है तू। कहाँ मर गया तेरे अंदर का पहलवान? कहाँ है पहलवान? मर गया। मर गया है? मर गया है ना पहलवान? मार दो। करना था उसे, लेकिन अब दूसरा शुरू हो गया। सोए हुए शेर को नहीं जगाना चाहिए था। जुल्म ना करने के लिए कहा था, जुल्म को बर्दाश्त करने के लिए नहीं। से ही लोग होने चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट।
मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? सरकार, आप इतने दिनों से हमसे मिलने क्यों नहीं आए? गलती हो गई बेटा, गलती हो गई। लेकिन पापा तो ये कहते हैं कि सरकार से कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। पापा ने ऐसे बोला? हाँ। मैं पहले भगवान को नहीं मानता था, लेकिन अब मानने लगा हूँ। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन इस गधा के कारण मुझे अवसर मिला कि मैं आपके इस विराट रूप को देख सका। कृष्ण और कंस दोनों पहलवान थे। कृष्ण धर्म के लिए लड़े और कंस अधर्म के लिए। जिस इंसान को मैंने ट्रेन किया, जिसके लिए अपना खून पसीना बहाया, वही इंसान एक दिन कंस बनकर मेरे सामने खड़ा हो जाएगा, ये सोचा नहीं था मैंने। बॉक्सिंग के इतिहास में कलंक है वो। इस पूरे वाक्य को सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि मैं स्वार्थी हूं, तो हां मैं स्वार्थी हूं, लेकिन इस कलंक को मिटाने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए आपको बॉक्सिंग रिंग में आना ही होगा। पैसा मिलेगा? हाँ, बॉक्सिंग के तो पैसा मिलेगा। हाँ मिलेगा। पैसे कितने मिलेंगे? पता नहीं कितने मिलेंगे सरकार, लेकिन उन बच्चों के लिए पैसों की जरूरत है। बच्चे? बच्चे। उस दिन घर छोड़ के जा रहा था तब पता था कि थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन बहुत तकलीफ हुई सरकार। तकलीफ यानी कुली बनने में या गरीबी में नहीं सरकार, आपके बिना, कुश्ती के बिना बहुत तड़पा मैं। नींद नहीं आती थी सरकार, पूरी रात दौड़ता रहता मैं, शायद थक जाने से नींद आ जाए। समझता था कि मेरी तकलीफ ही बड़ी है, लेकिन जिंदगी ने उससे भी बड़ी तकलीफ से मिलवाया, उन बच्चों की। मैं खाना खा के आता हूँ। खाने की बहुत पड़ी है तुमको, पहले काम खत्म करो, उसके बाद ही खाने के बारे में सोचना। हाँ हाँ ठीक है। हाँ उठाओ जल्दी से, समझे क्या? सुशीला। अरे भैया। घर में बहुत परेशानी थी ना, बाबा के मरने के बाद हमें यहाँ आना ही पड़ा। शुरू में थोड़ी परेशानी हुई, उसके बाद तो आदत से पड़ गई। दौड़ना तो जैसे मैं भूल ही गई भैया। मुन्ना किधर है? वो नहीं है भैया। नहीं है मतलब? वो तो यहाँ आना भी नहीं चाहता था, कहता था काम नहीं करूंगा, क्रिकेट खेलूंगा, क्रिकेटर बनूंगा। एक दिन अम्मा उसे जबरदस्ती काम करने के लिए लेके आई, कहने लगा मुझे क्रिकेट खेलना है, कह के जोर से भागा। समाधि के बदले सड़क बनाया, बहुत दुख सहा है भैया, लेकिन अब तो आदत सी हो गई है। आप यहाँ कैसे? सुशीला। सर अभी आ रही हूँ। भैया सुपरवाइजर बुला रहा है। तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा भैया, हम लोग यहीं रहते हैं, आना कभी, चलती हूँ। हाँ अपने तो बड़े बड़े देता है भगवान, और साथ में भूख भी, फिर वही भूख सारे सपनों को जलाकर राख कर देती है। भैया इधर आओ, मेरी एक बात मानोगे? बोलो भैया। किसी भी कमी के बिना तेरी अच्छी देखभाल करूंगा मैं, बस पहले की तरह दौड़ना है तुझे, मेरे साथ चलो, मैं घर रखूंगा। जाने दो भैया। क्यों, भरोसा नहीं मुझ पे? आप पर तो पूरा भरोसा है भैया। तो फिर ये सब लोग भी हमारी तरह खेल में बहुत अच्छे हैं भैया। ये दिव्या डिस्ट्रिक्ट लेवल की खो खो प्लेयर थी, और वो श्रुति कबड्डी प्लेयर, ये है महेश डिस्ट्रिक्ट लेवल का वॉलीबॉल प्लेयर, लेकिन दुर्भाग्य से हम प्लेयर से लेबर बन गए, इनके बिना कैसे आऊं? आप पर भरोसा है, भाग्य पर नहीं। तुम्हारा मन साफ है जो इसके सपनों को पूरा करना चाहते हो। इस बस्ती में इतने बच्चे हैं तो पूरे देश में कितने होंगे, उन सबके सपनों को कैसे पूरा करोगे?
भूखे को रोटी नहीं, रोटी वाले को भूख नहीं। ऐसे हजारों बच्चे हैं सरकार, एक से एक हुनहार, छोटे छोटे से, जो दो वक्त की रोटी के लिए अपने सारे हुनर को, सारे सपनों को वक्त की भट्टी में झोंक देते हैं। बहुत दुख होता है देखकर। जब तक इंसानियत है कोई अनाथ नहीं हो सकता। इंसान होना सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी जीना है, ये सबक तो बचपन से मैंने आपसे सीखा था सरकार। मेरे बॉक्सिंग की कमाई से अगर कुछ बच्चों का भविष्य बदल सकता है तो मैं जरूर करूंगा, अगर आप मान जाए। मैंने तुमको सिर्फ कुश्ती लड़ना सिखाया, लेकिन कुश्ती क्यों लड़ते हैं ये तुमने सीख लिया। तुम तब भी दूसरों के लिए लड़ते थे और आज भी वही करने जा रहे हो। तुम्हें अपना बेटा कहने में मुझे गर्व हो रहा है। ताकत का गुरूर जिसको होता है वो है गुंडा, लेकिन जिसके इरादों में ताकत भरा हो वो है योद्धा। No rabbit punches, okay? वो दिखाता है उसका बिल्कुल उल्टा करता है वो, उससे उसी के पैंतरे से निपटो, समझ गए ना? तुम कर सकते हो। और अब चलते हैं दूसरे राउंड में। Yeah.
संभाल के, कहीं ये तेरा बटर बिस्किट मुझसे टक्कर लेने से पहले ही पिघल ना जाए। Congratulations, Tony. How are you feeling? Feels like I'm on a holiday. Tony, आप अपने opponent के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहलवान किच्चा. Oh, I'm scared. पहलवान किच्चा, आप अपने opponent Tony के बारे में क्या कहना चाहेंगे? Tony एक बहुत बड़े boxer हैं, पर मेरा सौभाग्य है कि इनके साथ boxing करने का मौका मिला है. Krishna जी, आप कुश्ती छोड़कर boxing में क्यों आए हैं? पैसों के लिए मैडम. जी, समझी नहीं. ये पैसे अपने लिए नहीं मैडम, बिना कोई प्रोत्साहन के प्रतिभाशाली बच्चे सड़कों पर काम करके जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी बढ़ावा देने वाले उनको मिल जाए तो यही राज्य के, देश के बहुत बड़े खिलाड़ी बनकर वो सेवा करेंगे, ऐसे मेरा मानना है। टोनी जी, इस फिनाले के बारे में आपका क्या कहना है? इट्स गोइंग टू बी शॉट, क्रिस्प एंड शॉट। पहलवान किच्चा सर, आप जीतोगे? मुझे पता नहीं मैं जीतूंगा या नहीं, लेकिन एक बात बोलता हूं सर, जिंदगी में कभी भी आसानी से हार नहीं मानी है मैंने। प्रतिभाशाली गरीब बच्चों के लिए एक नई उम्मीद की किरण पहलवान किच्चा, जो कुश्ती से दूर हो गया था, वो अपनी बॉक्सिंग से ही नहीं बल्कि अपनी सोच और मकसद से लोगों के दिलों के करीब आ रहे हैं। बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है, उनको खेल के लिए प्रोत्साहित करना होगा। स्कूल में मैं स्टेट लेवल वॉलीबॉल प्लेयर था, लेकिन आगे बढ़ने के लिए किसी ने भी सहारा नहीं दिया। पहलवान किच्चा हमारे राज्य का ही नहीं देश का आदर्श है, देश को गर्व है उनसे। हमारी कंपनी के लोग एक दिन की सैलरी को बच्चों के स्पोर्ट्स के लिए डोनेट कर रहे हैं। उसका मकसद पूरा हुआ तो हमारे बच्चे भी खेलेंगे। वो जीता समझूंगी, मेरा बच्चा जीता। पहलवान किच्चा ने लोगों का दिल तो जीत ही लिया है, पर बॉक्सिंग रिंग में टोनी से जीत पाएंगे? लेट्स वेट एंड वॉच। कृष्णा, अपनी मंजिल से सिर्फ तुम एक कदम दूर हो, अगर यही एक कदम नहीं चल पाए तो तुम अपनी मंजिल को कभी हासिल नहीं कर पाओगे। सर चलिए। नहीं, तुम जाओ। सर आज फाइनल है, अगर आप ही नहीं आएंगे तो। जिस दिन टोनी के सामने मैंने कृष्णा को खड़ा किया उसी दिन मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई पप्पू। आज रिंग में जो युद्ध होगा फाइनल, वो मेरा नहीं उसका होगा। आज का दिन उसका है। आज उसे वहां मेरी जरूरत नहीं है। आज जिस मकसद से वो बॉक्सिंग रिंग में आया है वही मकसद जी। उसकी ताकत बनकर उसे मंजिल तक ले जाएगा। Welcome to the grand finale of Maritime Center Pro Boxing League. Introducing first, the deadly wrestler, Pehlwan Kichcha. It's hard versus no hard. Underdog versus champion. Okay.
All right.
1, 2, 3. तुम मेरे बेटे जैसा नहीं, मेरे बेटे हो। तुम्हें अपना बेटा कहने में मुझे गर्व है। ताकत का गुरूर जिसको होता है वो है गुरला, लेकिन जिसके इरादों में ताकत भरा हो आप पर भरोसा है, भाग्य पर नहीं, वो है योद्धा। Tell me now, how much? Sure. Good. Now, tell me, how much? Two. Good. Where'd you go? That's a thumbs up!